नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि हम वेस्ट से भी कैसे बेस्ट बना सकते हैं। तो ये मेरे पास शॉपिंग बैग रखा था जो हमें मार्केट से कैरी बैग्स मिलते हैं जो क्लोथ के बने होते हैं, एंड इसका भी हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। फेस मास्क हम कैसे बना सकते हैं इजी वे से और अपने घर में ही उसको बना के कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आप आगे कि कैसे इसको मैं कट करती हूँ और कैसे आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये दोस्तों मेरे पास कपड़ा बचा था, मेरी ड्रेस में से ही बचा था ये। तो ये मैंने 11x11 का कट किया है। 11 इधर से है, 11 ही इधर से, 11 ही इधर से है। तो अभी मुझे इसके बराबर का ही ये वाला पीस कट करना है। इसके इसके हम लोग दो मास्क, ये देखो बिल्कुल वेस्ट था, फट चुका था साइडों से। तो मैंने इसके एक दो पहले भी आइटम बनाए थे, लेकिन आज मैं आपको मास्क बनाना सिखाऊंगी कैसे इसको हम मास्क में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मुझे इसके इक्वल ही लेना है। ये देखिए, मैं आपको पहले आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि आपको कहीं लगे ना कि मैंने गलत किया है। ये देखिए दोस्तों, 11 इंच है, पूरा 11 इंच है इधर से भी, एंड 11 इंच इसकी लेंथ एंड विड्थ 11 इंच है। अभी मैं इसको इसके साथ कट करूंगी। ये थोड़ा कपड़ा रेयन कॉटन का है, थोड़ा ढीला सा है, थोड़ा इसको सॉफ्ट भी रहेगा फेस मास्क के ऊपर, जिससे ब्रीथ थोड़ा लेने में इजी रहेगा, एंड हर तरह से ये हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, दो पीस इसके कट के रेडी हैं। इसका कपड़ा थोड़ा ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा था, तो मैंने इसको पहले से इक्वल करके 11x11 में कट कर लिया। तो एक मैंने आपके सामने ब्लू वाला जो बैग में से बचा है कपड़ा, उसको कट किया है। इसके भी हम दो बैग रेडी कर सकते हैं। तो इसके हमने 4 फोल्ड कर देने, देखो 1 2 3 4। अभी हमने इसको एक फोल्ड और देना है यहां से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लेके आना है, ट्रायंगल शेप में, इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में लेके आना है। एंड अभी मैंने इसको यहां से कट करना है, यहां से मुझे इसको राउंड शेप में देना है। ये देखिए, पूरा राउंड शेप में मैंने कट कर दिया, एंड ये देखिए पूरा मेरा इसकी शेप राउंड में आ गई है। अगर हमें थोड़ा सा इसको और भी करना है तो हम इसकी शेप और भी इक्वल कर सकते हैं। मैंने 11 इसलिए रखा था कि हमारा अगर कम ज्यादा हो तो हम बाद में इसको कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा राउंड में ये कट हो गया है। अभी सेम ऐसे ही इस जो 11x11 का कपड़ा था, इसको भी हमने ऐसे ही कट करना है। ये थोड़ा कॉर्नर से हल्का सा एक्स्ट्रा था। ये देखिए दोस्तों, ये दो सर्कल बन के रेडी हैं, ये एक इस कपड़े का और एक इस कपड़े का। अभी हमने जो एक तरफ ये सॉफ्ट रहता है उस वाले एरिया को अंदर रखना है, जो थोड़ा हल्का सा उभरा हुआ रहता है, दानेदार से रहता है कपड़ा जो बैग होता है, उसको यहाँ से कट लेना है। इसको भी हमने यहाँ से फिर से एक कट और दे देना है। सेम इसके साथ भी हमने ऐसे ही इसके पहले इसको सेमी सर्कल से कट करना है। टोटल हमने इसके 4 पीस रेडी कर लिए। इतने से कपड़े में से मैं 2 मास्क इसके रेडी कर सकती हूँ और करूंगी। अभी मैं फिलहाल आपको एक ही स्टिच करके बताऊंगी। ये देखिए, 4 पीस इसके कट किए हैं मैंने, एंड 4 ही इसके कट किए हैं। 1 2 3, 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने कटिंग करके दिखा दी। अभी मैं आपको इसका स्टिचिंग दिखाती हूँ कि स्टिचिंग कैसे हमने आगे करना है। देखिए दोस्तों, ऊपर का धागा मैंने ब्लू वाला डाला है क्योंकि मेरे पास मास्क 2 कलर का है, तो नीचे मैंने व्हाइट वाला थ्रेड यूज किया, व्हाइट वाला धागा यूज किया है व्हाइट कलर का। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, मेरे पास तो मोटर वाली मशीन है, मैंने मोटर लगा रखी क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है ज्यादा, मैं हाथ का यूज नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसको मोटर से ही सिलाई करती हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिलाई मशीन का होना जरूरी है। इस वाले एरिया में आप इसको हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए,
बखिया मैंने इसके चार नंबर पे रखा है। एक एक पैर छोड़ के हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए राउंड शेप है, राउंड शेप की हमने स्टिचिंग करनी है, इस ट्रायंगल की नहीं करनी है, राउंड शेप करनी है। सेम ऐसे ही हमने इसकी भी राउंड शेप की स्टिचिंग करनी है। एंड इसकी हमने ये चीज देखनी है कि ये चीज हमारी अंदर की सॉफ्ट साइड है वो अंदर की तरफ आए, एंड जो उभरा हुआ है वो एरिया से ऊपर की साइड में दिखना चाहिए हमें। तो मुझे इसकी स्टिचिंग इस तरीके से, तो ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से दिखेगा, ये और ये। आप चाहे तो इसको सिंगल कलर में बना सकते हैं, लेकिन मैं दो कलर का बनाऊंगी। तो इसको हमने इस वाले मास्क को ऐसे रखना है, एंड इस वाले मास्क को ऐसे, मैं कि दोनों की उल्टी साइड जो है इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ दिखनी चाहिए। एंड अभी हमने इसके यहाँ से इसकी जो कॉर्नर है उसको जोड़ देना है, यहाँ से कॉर्नर को थोड़ा छोड़ते हुए सिलाई करना है। कॉर्नर पे हमने इलास्टिक लगाना है, एंड इलास्टिक में इसका लगाऊंगी ब्लैक वाला है मेरे पास। अगर आपके पास ऐसे चौड़े वाला आता है तो थोड़ा मैं हाफ इंच वाला आता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये राउंड वाला पड़ा था तो मैं इसको राउंड वाले को लगाऊंगी। ये हमने इसका 7 इंच का कट करना है, क्योंकि हमने यहाँ जैसे हमारे पहनते वक्त हमारे कानों में भी खींचना नहीं चाहिए, तो 7 इंच का कट किया है। 7 इंच का हमारा एक कान का रहेगा, और 7 का डबल कर दिया तो ये हमारा 14 इंच का हो गया। तो 14 इंच का मैंने इलास्टिक कट किया है, इसको मैं बीच में से कट करूंगी। तो मतलब ये 7 इंच का है, 7 इंच का ये वाला पार्ट है, 7 इंच का ये वाला पार्ट है। ये ध्यान रखना है दोस्तों जो कॉर्नर है उसकी तरफ हमने इलास्टिक लगानी है। मैं आपको बताऊंगी कि इलास्टिक कहाँ लगानी है। ये देखिए दोस्तों ये कॉर्नर हमारे पास बचा था, ये कॉर्नर में हमने ऐसे इलास्टिक इसके अंदर की तरफ डालना है, ये वाला इलास्टिक अब हमारा अंदर की तरफ आएगा और इसके ऊपर सिलाई लगेगी के पूरा। अभी मैं दूसरी साइड के इलास्टिक जो है इधर लगाने लगी हूँ। यहाँ पे सिलाई हमने छोटी कर दी है, अभी यहाँ पे हमारा इलास्टिक लगा हुआ है, यहाँ पे डबल सिलाई है। ये देखिए कुछ इस शेप का आएगा। हमने इसको और फिनिशिंग देने के लिए यहाँ से ऊपर से स्टिच लगानी है, ताकि हमारी जो इसकी फिनिशिंग अच्छी आ सके, इसलिए मैंने 2 धागे चढ़ाए थे, ताकि जो नीचे वाला एरिया है वो व्हाइट कवर कर जाए, ऊपर ब्लू वाला एरिया भी। एक्स्ट्रा धागों को हम कट करेंगे। देखिए जितने में एक्स्ट्रा धागे निकल रहे थे, इसके साइड में जैसे धागा टूट जाता है एक्स्ट्रा हो जाता है। देखिए ये इसकी ये वाली साइड है, ये इसकी ये वाली साइड है, दोनों की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, सॉफ्ट भी है पहने। तो अभी आपको दिखाती हूँ मास्क इसके इसी कपड़े से बना रखे। ये देखिए दोस्तों जो मैंने अभी आपके सामने मास्क स्टिच किया है वो वाला मैंने दिखाया है, ये डबल साइडेड है और डबल लेयर में है, जैसे ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, और ये काफी जो मैंने पहले मास्क बनाए थे उससे कई गुना अच्छा स्ट्रांग भी है। ये देखिए दोस्तों जो मैंने पहले मास्क सिला था, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, ये वो वाला मास्क है, ये भी मैंने उसी बैग का बनाया था। एंड ये जो अभी जो मैंने आपके सामने बनाया है ये वाला बैग, एंड ये प्योर कॉटन का है, इसकी डबल लेयर है और ये पूरा का पूरा दोनों साइड इसकी कॉटन के कपड़े की। ये मेरी ड्रेस में से ही था और ये भी सेम ऐसे ही मेरी ड्रेस में से था। ये थोड़ा कपड़े के ऊपर है कि हम इसको अगर 11 इंच का रखेंगे
या 10 इंच का रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे फेस की जो फिटिंग है अच्छे से आती है। तो अगर आपके फेस की फिटिंग छोटी है तो आप इसकी इलास्टिक की लेंथ को बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैंने 7 इंच रखा था, आप 10 इंच की रख के इसको कट कर सकते थे। और इस तरीके से ये देखिए, ये भी मेरे ड्रेस में से है। एंड ये वाला मेरे सबसे पहले स्टार्टिंग वाला मास्क है, जो ये भी मैंने जो कैरी बैग्स हैं जो व्हाइट कलर के थे तो उसका मैंने बना रखा था। इसके तो मैंने 5-6 पीसेज एक साथ रेडी कर दिए, क्योंकि हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, जो थे भी तो यूज एंड थ्रो वाले थे, तो इतना अच्छा मटेरियल नहीं था उनका। तो ये फिर मैंने अपने लिए स्टिच किए थे और इसका मैं रोज, इसमें से अभी सिर्फ एक ही बचा है अभी मेरे पास, मैंने इसको बहुत ही यूज किया है, रोज धोना सुखाना है ऐसे करके, तभी भी एक मेरे पास अभी चल रहा है, अभी मेरा एक भी वेस्ट एक बच गया है मेरा। तो देन इस तरीके से ये देखिए, आप भी अपने घर पे इसको बना सकते हैं और वेस्ट कपड़े का यूज कर सकते हैं, कैरी बैग का यूज कर सकते हैं। और मास्क पहनिए, अपनी हेल्थ को सेफ रखिए, स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, वो फ्री में है, उसका पैसा नहीं लगता है। और ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।